मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती बेटा? एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन। लाइक इट इज अ स्प्रिंग, स्प्रिंग को जब हम स्ट्रेच करते हैं तो उसके अंदर क्या है, एनर्जी आ जाती है। ऐसे ही रबर बैंड को जब हम स्ट्रेच करते हैं, थोड़ी देर पकड़ के रखते हैं तो क्या होता है, जब हम उसको रिलीज करते हैं तो वो क्या करता है, वर्क करता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है। ओके, जैसे ये हमारा है एरो, एरो एंड बो। जब हम इसको एरो को स्ट्रेच कर, इस बो को स्ट्रेच करते हैं एरो में, तो एरो इसके अंदर क्या है, एनर्जी आ जाती है, और जब हम इसको छोड़ते हैं तो ये बड़ी दूर चला जाता है, ठीक है। इन द अबव सिचुएशंस द एनर्जी गेट स्टोर्ड ड्यू टू वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट। द एनर्जी ट्रांसफर्ड टू एन ऑब्जेक्ट इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी इफ इट इज नॉट यूज टू कॉज अ चेंज इन द वेलोसिटी और स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। यू ट्रांसफर एनर्जी वेन यू स्ट्रेच अ रबर बैंड। द एनर्जी ट्रांसफर टू बैंड इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बेटा, तो पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज द एनर्जी प्रेजेंट इन बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजिशन। जो पोजिशन के कारण एनर्जी होती है बेटा, उसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट। हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे एक ऑब्जेक्ट की जब वो एक हाइट पर है। एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज इट्स एनर्जी व्हेन रिलीज्ड थ्रू अ हाइट। एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज इट्स एनर्जी, जब एक हाइट से हाइट तक उठाया जाता है किसी ऑब्जेक्ट को, तो उसकी जो एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाती है। लाइक हम एक छोटी सी नेल है, ठीक है, एक कार्डबोर्ड के अंदर डालने हमने उसको, या आप वुड के अंदर डालना है, आप हैमर को जरा सा उठाओ, आपने चोट मारी वो नहीं गई, लेकिन यदि जब आप बहुत ऊपर हाइट तक उठाओगे और तब आप हैमर को मारोगे तो वो क्या है, जल्दी इजिली चली जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितनी आपने हाइट बढ़ाई उतनी ज्यादा उसने एनर्जी गेन कर ली, और वो जो नेल थी, कील थी, वो इजिली वुड के अंदर चली गई, ठीक है। तो दिस इज बिकॉज वर्क इज डन ऑन इट अगेंस्ट ग्रेविटी। व्हाई इट इज बीइंग रेज्ड, द एनर्जी प्रेजेंट इन सच एन ऑब्जेक्ट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इस वाली एनर्जी को क्या कहते हैं हम, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पॉइंट अबव द ग्राउंड इज डिफाइंड एज द, कैसे डिफाइन करते हैं ये, इसकी डेफिनेशन है, द वर्क डन इन रेजिंग इट फ्रॉम द ग्राउंड टू दैट पॉइंट अगेंस्ट ग्रेविटी। मीन्स कि हमने कितना काम किया उस ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ले जाने के लिए अगेंस्ट द ग्रेविटी। क्योंकि जब ग्रेविटी क्या कर रही है, अर्थ की ग्रेविटी, इसकी टेंडेंसी क्या है, सभी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, बट हम उसको तो ऊपर लेके जा रहे हैं, तो अगेंस्ट ग्रेविटी हम काम कर रहे हैं। तो जितना वर्क डन होता है दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ एक एग्जाम्पल से बताया गया बेटा, ये एक ब्लॉक है, ऑब्जेक्ट है जो एक एच हाइट पर है, ठीक है। देखो, इट इज इजी टू अराइव एट एन एक्सप्रेशन फॉर द ग्रेविटेशनल, इट इज इजी टू अराइव एट एन एक्सप्रेशन फॉर द, जैसे हमने काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्रेशन निकाली थी, लाइक दैट वी हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेशन। इट इज इजी टू अराइव एट एन एक्सप्रेशन फॉर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास, हमने कंसिडर कर लिया कि ये एन ऑब्जेक्ट है और इसका मास कितना है, एम है। लेट इट बी रेज थ्रू अ एच हाइट, जो ये हाइट है कितनी दूर, ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड से ये कितनी हाइट तक उठाया गया है, एच। द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू रेज द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपको पता है ना, जो मिनिमम फोर्स होता है, एफ किसके बराबर होता है, एम ए। तो ए यहां पर कौन है, ग्रेविटेशनल, ग्रेविटी है ना अर्थ की, क्योंकि ए क्या है, एक्सलरेशन होती है, और यहां पर क्या है, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी, इसलिए यहां पर जी लिख दिया। और हमने कहा वर्क डन, ऑब्जेक्ट गेन्स एनर्जी इक्वल टू द वर्क डन। वर्क डन किसके बराबर होता है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है, एम जी, अभी हमने डिस्कस किया है, फोर्स एम में होता है ना बेटा। फोर्स क्या होता है, एम इंटू ए, एम सेम रहा मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ए, ए क्या, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये क्या है, जी डिनोट होती है फॉर द अर्थ। एंड एच इज द डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वो यहां से यहां तक आना है, तो एच क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन कितना हो गया, एम जी एच, एंड इट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और जितना काम हुआ है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। सिंस वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द एम जी एच,
एंड एनर्जी इक्वल टू mgh यूनिट इज गेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट, तो इतनी ही एनर्जी वो ऑब्जेक्ट गेन करेगा एंड इट इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट. इट इज यूजफुल टू नोट दैट वर्क डन बाय ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस इन वर्टिकल हाइट ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड नॉट ऑन द पार्ट. यस, देखो अब फॉर्मूले में देखो mgh है, ठीक है, तो हाइट पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है, ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है. क्या वो डिस्प्लेसमेंट पे या नहीं, डिस्प्लेसमेंट पर वो डिपेंड नहीं कर रहा. वो ये नहीं देख रहा कि जो वो ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे आया है वो सीधा आया है या घूम फिर के आया है, ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ वो कितनी हाइट से आया है, दैट इज पॉइंट. ओके, तो यही बताया है, एक ऑब्जेक्ट सीधा आता है या एक ऑब्जेक्ट घूम के आता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं होगा. लेट द हाइट बी इन बोथ द सिचुएशन द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट इज mgh. ओके, नेक्स्ट है बेटा, आर वेरियस एनर्जी फॉर्म्स इंटर कन्वर्टेबल. क्या जो डिफरेंट हमने सिक्स क्लास में सेवन्थ क्लास में पढ़ा था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी लाइक हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है, ये सब हमने पढ़ा था. तो वो कह रहा है क्या ये एक एनर्जी की फॉर्म दूसरे में कन्वर्टेबल है? यस. देखो प्लांट्स क्या करते हैं खाना बनाने के लिए, फोटो कौन सी लाइट लेते हैं, वो सनलाइट लेते हैं ना, और लाइट तो वो लाइट एनर्जी को ले रहे हैं, और लाइट एनर्जी को उन्होंने किसमें खाना बनाया, किसमें चेंज कर दिया, केमिकल एनर्जी में खाने की. इसी तरह से जो हमारे फैन है या एप्लीकेंस है वो सब कौन सी एनर्जी ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी ले रहे हैं और काम कर रहे हैं, और किसमें चेंज कर देते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी को, मैकेनिकल एनर्जी एंड हीट एनर्जी में, ठीक है बेटा. तो इस तरह से अभी हमने कितने एग्जाम्पल देखे है ना, इलेक्ट्रिक, आप प्रेस देखो, टोस्टर देखो, गीजर देखो, सबको आप इलेक्ट्रिक सप्लाई दे रहे हो और वो क्या हो रहा है, गर्म हो रहे हैं, हीट एनर्जी में चेंज हो रहा है. तो इट मीन्स यस, एनर्जी कैन बी इंटर कन्वर्टेबल. ओके बेटा, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकती है, यही सब इसमें बताया है. नेक्स्ट है बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. क्या ये लॉ क्या कहता है बेटा, जो एनर्जी है इट नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय. ना तो वो एनर्जी को बनाया जा सकता ना एनर्जी को मिटाया जा सकता, सिर्फ उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज किया जा सकता है, ठीक है. जो पहले एनर्जी होगी और जो कुछ प्रोसेस के बाद है वो क्या होगी, सेम होगी. इन्होंने एक एग्जांपल से समझाया, देखो इन एक्टिविटी 11.13 एंड 11.14 वी लर्न दैट द फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. अभी हमने देखा है कि यस, एनर्जी कैन बी चेंजेस. व्हाट हैपेंड टू द टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ड्यूरिंग और आफ्टर द प्रोसेस. तो पूरे सिस्टम की एनर्जी के साथ क्या होगा, पहले और बाद में, ठीक है, कन्वर्ट होने से पहले क्या थी एनर्जी और कन्वर्ट होने के बाद क्या होगी. वेन एवर एंट्री एनर्जी गेट्स ट्रांसफॉर्म द टोटल एनर्जी रिमेन्स अनचेंज्ड. यस, टोटल जो एनर्जी है वो अनचेंज रहती है. दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो ये लॉ क्या कहता है बेटा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एनर्जी कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. सिर्फ उसको कन्वर्ट किया जा सकता है, ना उसको क्रिएट किया जा सकता, भी बढ़ाया भी नहीं जा सकता, उसको कम भी नहीं किया जा सकता. इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय. द टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन रिमेन्स द सेम. जो टोटल एनर्जी सिस्टम की जो टोटल एनर्जी रहती है वो सेम रहती है प्रोसेस होने से पहले और प्रोसेस होने के बाद. द लॉ ऑन सिचुएशन एंड ऑल काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज वैलिड. ये हर सिचुएशन में, हर ट्रांसफॉर्मेशन में वैलिड करता है ये लॉ. कंसिडर अ सिंपल एग्जाम्पल, लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास. हम एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, हमने एक मास ऑब्जेक्ट लिया जिसका मास क्या है, एम है, बी मेड टू फॉल फ्रीली फ्रॉम अ हाइट. हमने उसको एक हाइट से नीचे गिराया, ठीक है. एट द स्टार्ट द पोटेंशियल एनर्जी इज mgh. शुरू में क्या है, वो ऑब्जेक्ट पोजीशन है उसकी, वो स्ट्रेट है, मतलब ऊपर हमने हाथ में पकड़ा हुआ है बट गिराया नहीं, तब उसकी एनर्जी क्या है, mgh, पोटेंशियल एनर्जी है. एंड काइनेटिक एनर्जी जीरो. यस, जब उसको, मान लो ये पेंसिल है, मैंने इतने हाइट तक पकड़ के रख रखी है, मेरी पोजीशन है ना, अब इसके पास कौन सी एनर्जी है, mgh, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है. लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या है इसकी, जीरो, क्योंकि ये मोशन में तो है ही नहीं. और अब मैंने इसको नीचे गिराया, नीचे गिर के जब मैंने नीचे गिरा रही हूं तो mgh हाइट कम होती जा रही है
और एनर्जी एमजीएच क्या है, कम होती गई और इसने वेलोसिटी गेन कर ली, मीन्स इसने स्पीड गेन कर ली और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ती चली गई। और एट लास्ट जब ये नीचे गिरी, ग्राउंड को इसने टच किया, तब क्या होगी इसकी वेलोसिटी एमजीएच, हाइट जीरो होगी, ठीक है, और वेलोसिटी भी क्या होगी, कम होगी, लेकिन इस पर मैक्सिमम थी, तो इट मीन्स जो ओवरऑल है वो क्या रह गया, जीरो रह गया इसका। लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम बी मेड टू फ्री फॉल फ्रॉम अ हाइट, काइनेटिक एनर्जी इज जीरो, स्टार्टिंग में क्या है इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो बिकॉज इट इज नॉट इन मोशन, ठीक है। द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज दस, तो जो टोटल है, देखो हमारे पास क्या है, पहले है, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है क्योंकि वो पोजिशन में है, प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी उसकी एम जी एच है, बट काइनेटिक एनर्जी कौन है, जीरो, तो टोटल क्या है उसके पास, एम जी एच, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, वो क्या कह रहा है, द टोटल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज दिस एम जी एच एज इट फॉल, जब ये गिरती है इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल चेंजेस इनटू काइनेटिक एनर्जी, धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी कम होती गई क्योंकि हाइट क्या है, कम हो रही है और धीरे धीरे वो मोशन में आ रही है, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में चेंज हो गई, काइनेटिक एनर्जी में, ओके। ही वी इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट अ गिवन इंस्टेंट, द काइनेटिक एनर्जी वुड बी हाफ एम वी, हाफ एम वी स्क्वायर बन गया ना काइनेटिक एनर्जी, और एमजीएच क्या होगी, जीरो हो गई। एज द फॉल ऑफ द ऑब्जेक्ट कंटिन्यू द पोटेंशियल एनर्जी वुड डिक्रीजेज व्हाइल द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, जैसे जैसे ये नीचे आती जाएगी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कम होती चली जाएगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। एज द फॉल ऑफ द ऑब्जेक्ट कंटिन्यू द पोटेंशियल एनर्जी वुड डिक्रीज व्हाइल द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज अबाउट टू रीच द ग्राउंड, जब ये ग्राउंड पर पहुंचने के लायक होगी, बिल्कुल पास होगी, तो एच क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है, एंड वी विल बी द हाईएस्ट, और जो वेलोसिटी है उसकी सबसे ज्यादा होगी, देयरफॉर द काइनेटिक एनर्जी वुड बी द लार्जेस्ट एंड द पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स लीस्ट, जब ये एक बिल्कुल टच करने को हो जाएगी, तो हाइट क्या है, जीरो है, तो एमजीएच क्या होगी उस केस में, जीरो, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। और एट लास्ट जब वो नीचे ग्राउंड पे गिरेगी, ग्राउंड पे गिर गई, तो अब कौन सी एनर्जी होगी इसकी, एमजीएच, क्योंकि पोजिशन में आ गई और वेलोसिटी में तो है ही नहीं, अभी मोशन में है नहीं, तो हाफ एम वी स्क्वायर क्या होगा, जीरो। तो लास्ट में भी हमारे पास क्या आ गया, एमजीएच, इट मीन्स ये क्या रही, कॉन्स्टेंट रही, ठीक है। देयरफॉर द काइनेटिक एनर्जी वुड बी द लार्जेस्ट एंड द पोटेंशियल एनर्जी लीस्ट, हाउएवर द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट वुड बी द सेम एट ऑल द पॉइंट, सो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी, उसे टोटल मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। वी फाइंड दैट ड्यूरिंग द फ्री फॉल ऑफ द ऑब्जेक्ट द डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट इन इट्स पाथ अपीयर एन इनइक्वल अमाउंट ऑफ इंक्रीज, जितनी पोटेंशियल एनर्जी में कमी होती चली जाएगी उतनी ही जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज होती चली जाएगी। देयर इज दस अ कंटिन्यूशन ट्रांसफॉर्मर, इससे क्या होता है, कॉन्टिन्यूस ट्रांसफर हो रही है वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर हो रही है, बट वो बिल्कुल भी जो उनका सम है कॉन्स्टेंट ही रहेगा, ठीक है। तो ये क्या प्रूव करता है, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सिर्फ वो वन फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हुई ना, एक्सटर्नल तो एनर्जी बनी और एक्स्ट्रा एनर्जी डिस्ट्रॉय हुई। नेक्स्ट है बेटा रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब क्या बेटा, कि कितना काम हो रहा है पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड पावर, क्या बोलते हैं हम उसको, पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि कितना काम एक घंटे में या एक सेकंड में या एक मिनट में, मींस पर यूनिट टाइम जो जितना काम हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इट्स पावर। डू ऑल अस वर्क एट द सेम रेट, क्या हम सभी एक जैसा काम करते हैं, नहीं ना, अब एक छोटे बच्चे को काम देंगे हम और एक बड़े को देंगे, डिफरेंस होता ना, आप छोटे बच्चे को आप कुछ काम दोगे वो धीरे 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 करेगा, ठीक है, और उसी वही काम यदि एक बड़े ने करना हो तो बड़ी जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो इससे क्या है, और एक जैसे एक मान लो स्किल्ड है, अब किसी को आपने सूट सिलना दे दिया, या फिर आपने कोई ऐसे लगाओ कि आपको कोई मिस्त्री है वो बिल्डिंग बना रहा है बट उसको अच्छे से काम नहीं आता, तो वो क्या है धीरे 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 लगा रहेगा, बट जो एक परफेक्ट है वो बड़ी जल्दी अपने काम को कम्प्लीट कर लेता है बड़ी थोड़े टाइम में। तो इसका मतलब क्या है, उनका जो रेट ऑफ डूइंग वर्क है उसको वो क्या कहते हैं, उसको पावर, क्या बोलते हैं बेटा, पावर।
Do machines consume or transfer energy at the same rate? Agents that transfer energy to work at different rates. Let us understand this from the activity. ये एक एक्टिविटी जो मैंने अभी आपको बताई है बेटा, वही है सेम एक्टिविटी. ओके बेटा, तो ये क्या है, अ स्ट्रॉन्गर पर्सन मे डू सर्टन वर्क इन रिलेटिवली लेस टाइम. यस, यदि एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है तो वो, मैं मान लो हमने एक कोई लोड है, कोई भारी सामान है उसको उठाना है, यदि एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है तो वो बड़ी इजिली उसको कैरी कर लेता है. लेकिन यदि हम उस एक वीक पर्सन को कहें कि आप उठा दो ये सामान, तो वो उसको उठाने में एलिजिबल नहीं होगा, तो वो काम करने में इतना परफेक्ट नहीं होगा. तो यही बताया इसने, अ स्ट्रॉन्गर पर्सन में डू सर्टन वर्क इन रिलेटिवली लेस टाइम, अ मोर पावरफुल व्हीकल वुड कंप्लीट अ जर्नी इन अ शॉर्टर टाइम देन अ लेस पावरफुल वन. हम साइकिल पे कहीं जाएं, वहां पर क्या 1 घंटा लग जाएगा, और उसी डिस्टेंस को हम गाड़ी से या अपनी बाइक से करें, बाइक से साइकिल से तो कम टाइम लगेगा, और यदि गाड़ी से जाएंगे तो उससे और भी कम टाइम लगेगा. ठीक है, तो इसीलिए जो काम करने का रेट है वो क्या है, सबका अलग अलग है. वी टॉक ऑफ द पावर ऑफ द मशीन्स लाइक मोटर बाइक्स और मोटर कार्स. द स्पीड विद विच दीज व्हीकल्स चेंजेस एनर्जी और डू वर्क इज बेसिस ऑफ देयर क्लासिफिकेशन. पावर मेजर्स द स्पीड ऑफ वर्क डन. तो पावर बताता है कि उसकी काम करने की कितनी स्पीड है, कितनी उसकी क्षमता है, कितनी जल्दी वो काम कर सकता है और कितने धीरे वो काम करता है. तो पावर की डेफिनेशन क्या बनी, पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होगा तभी तो काम होगा ना. इफ एन एजेंट डज अ वर्क इन टाइम टी देन पावर इज वर्क अपॉन टी, डब्ल्यू अपॉन टी. अब डब्ल्यू पावर, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, और टाइम क्या होता है, टी. तो जूल पर सेकेंड आती है पावर की यूनिट. बस बट जो पावर है वो किसने डिस्कवर किया था, जेम्स वॉट. ठीक है, उनको रिगार्ड देने के लिए पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट. क्या होती है बेटा, वॉट. आपने देखा ना आपके बल्ब्स में लिखा रहता है कि कितने वॉट का बल्ब है. ठीक है, विच डज वर्क एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड. वी कैन ऑल्सो से दैट पावर इज 1 वॉट वेन. 1 वॉट पावर कब होगी, जब 1 जूल काम होगा 1 सेकेंड में. ठीक है, वेन द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इज 1 जूल पर सेकेंड. 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड. इसकी हम लार्जर यूनिट भी लिखते हैं, 1 किलोवाट किसके बराबर है बेटा, 1000 वॉट्स के. ठीक है, और इसको डब्ल्यू से डिनोट करते हैं. द पावर ऑफ एन एजेंट मे वेरी विद टाइम. दिस मीन्स दैट एजेंट मे बी डूइंग वर्क एट डिफरेंट रेट्स एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम. देयरफॉर द कंसेप्ट ऑफ एवरेज पावर इज यूजफुल. क्या मतलब है, कई बार क्या होता है जब हमने खाना खाया है या फिर हम बड़े फ्रेश हैं तो क्या है, हम काम को बड़ी जल्दी 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 काम कर लेते हैं. लेकिन जब हम थोड़ा सा थक जाते हैं, काम कंटिन्यूशन कर रहे हैं, कंटिन्यूशन में हम कोई काम कर रहे हैं तो हम थक गए, तो हमारा क्या है, काम करने का जो रेट है वो क्या है, कम हो जाता है. इसीलिए जो पावर है हम उसको एवरेज लेके चलते हैं कि उसने टोटल काम कितने टोटल टाइम में कंप्लीट किया, उसे कहते हैं हम एवरेज पावर. नेक्स्ट बेटा, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी. मींस कमर्शियल का मतलब क्या है, जो जैसे आपके बिल वगैरह आते हैं उसमें हम वॉट या किलोवाट का यूज नहीं कर सकते, उसमें हम किलोवाट पर आर का यूज करते हैं और उसे बोलते हैं हम कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी. द यूनिट जूल इज टू स्मॉल एंड हेंस इज कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस लार्ज क्वांटिटी. जो जूल है, यूनिट जूल है, वो बड़ी छोटी है और बड़ी इनकन्वीनियंट होती है, मीन्स बहुत असुविधा होती है जब हम उसको यूज करते हैं लार्ज क्वांटिटी, इसीलिए हम उसको बिगर क्वांटिटी में मेजर करते हैं, दैट इज कॉल्ड किलोवाट पर आर. और किलोमीटर पर आर को क्या कहते हैं बेटा, 1 यूनिट. आता है ना आपकी बिजली का बिल कि 200 यूनिट आया, 300 यूनिट आया, तो यूनिट का मतलब है किलोवाट पर आर, की 1 आवर में आपने इतने किलोवाट, 1 किलोवाट एनर्जी यूज की, इलेक्ट्रिसिटी यूज की है. व्हाट इज 1 किलोवाट आवर. लेट अस से वी हैव अ मशीन दैट यूजेस 1000 जूल ऑफ एनर्जी एवरी सेकेंड. इफ दिस मशीन इज यूज कंटिन्यूसली फॉर 1 आवर इट विल कंज्यूम 1 किलो जूल किलोवाट ऑफ एनर्जी. ये बेटा इसकी कन्वर्जन दिखाई हुई है, 1 किलोवाट आवर इसको हमने जूल में कन्वर्ट किया हुआ है, किलोवाट को हमने 1000 वॉट बना दिया. ठीक है, और 1 आवर में 3600 सेकेंड होते हैं, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे देन 1 किलोवाट आवर किसके बराबर बन गया, 3.6 × 10⁶ जूल. ये बेटा जब आप न्यूमेरिकल्स करते हो तब यूज होता है. द एनर्जी यूज इन द हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज आर इज एक्सप्रेस इन किलोवाट आवर, और किलोवाट आवर को क्या कहते हैं बेटा, यूनिट. ओके बेटा, तो इस
चैप्टर में आपने क्या पढ़ा, वर्क एनर्जी पावर। ओके बेटा।